सो हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर यी सेट प्रिपरेशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं बिल्कुल टू एडवांस मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता सी का हमारे पास आइए हम आपको चैंपियन बनाएंगे कहने का मतलब है नंबर वन बनाएंगे जैसे अभिमन्यू आई एस है तो so, स्टूडेंट हम कर रहे हैं आज एंड टॉप सेवन रेशोशन टॉप सेवन और इसका आज हमारे पास है पार्ट नंबर थ्री देखिए जैसा कि मैंने परसेंटेज को लेके चला था पहले मैंने परसेंटेज के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए तब उसके बाद हमने क्या किया फिर हमने क्या किया फिर हमने लास्ट के दो से तीन लेक्चर्स में लास्ट के एक से दो लेक्चर्स में हमने उसके प्रीवियस ईयर को किया यही पैटर्न अब हम हमारे रेशन के साथ भी करेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल वीडियो और प्लीज शेयर जरूर कीजिए और दूसरी बात क्या आपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं ठीक है थीके? मैं आपको बता रहा हूं जिस स्टूडेंट के नोट्स अच्छे से होंगे ना वो सबसे पहले मैदान में मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली तो जब रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी तो फिर बहुत रिवीजन होगी और आपका है। तो नोट्स अभी आपके पास समय है बाद में समय नहीं होगा ठीक है और अगर अभी से तैयारी शुरू कर लोगे तो जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल भी नहीं आपकी कोई दिक्कत आएगी उसमें ठीक है तो चलिए तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है हमारे साथ जुड़ना है ठीक है नंबर आपको है मैं फिर बता दूंगा

165. इस नंबर आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पर uh, <coughs> चलिए और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ए बी एंड सी है देखो अभी एक दो क्लास क्लास या पिछली क्लास में हमने किया था था वो जो आपका क्वेश्चन मैथ बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि सीट्स तो मैंने क्या किया था उस टर्म्स को मैंने दस से मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या अगर मैं थ्री फोर एंड फाइव क्या मैं थर्टी फोर्टी फिफ्टी ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकता हूँ बी गिवर टू एंड एंड सी गिव्स वन सिक्स टू ए फाइंड द फाइनल फाइंडल ऑफ अमाउंट ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा इसको दो पार्ट में थोड़ो एक क्वेश्चन यहाँ का एक क्वेश्चन इसके बाद यहां का पहले यहाँ का क्वेश्चन करते हैं एक बात और याद रखना जब बोलो वन फोर्थ टू ए एन फोर्थ टू सी इसका मतलब ये जो अमाउंट है मुझे इनिशियल वैल्यू का देना फाइनल का नहीं देना मतलब रिमेनिंग अगर बोलो तो अलग बात है ये बोलो तो अलग बात है देखो ए बी सी फर्स्ट बी गिव्स वन फोर्थ टू ए

देन सी गिव्स वन बाय सिक्स टू ए अब इसका वन बाय सिक्स कितना हुआ माइनस टेन और ये कहां चला गया ये गया यहाँ पे तो फाइनली क्या हुआ ये पचास हुआ ये हुआ बीस और ये मेरे पास क्या हुआ पचास तो रेशो क्या आ मेरे पास रेशो पूछी होगी फाइनल रेशो अमाउंट ऑफ ए बी सी तो फाइव रेशो टू रेशो फाइव ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं आपकी पूरी हेल्प होगी ठीक है चलिए नेक्स्ट पूजा शिप्रा एंड मोनिका देखिए एजिस का क्वेश्चन है बड़ा आसान सा मैंने कल भी बताया था कि पार्टनरशिप और रेशियो एजिसन के ही पार्ट हैं ठीक है थीके? जब करेंगे करवाऊंगा बट ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं ले आया पूजा शिप्रा एंड मोनिका आर थ्री सिस्टर्स पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस द रेशो ऑफ सम ऑफ ऑफ पूजा एंड शिप्रा इज सेम एज दैट ऑफ मोनिका लोन ओके okay. ठीक है सब ठीक है थ्री इयर्स अर्लियर द रेशो ऑफ एज ऑफ पूजा एंड मोनिका बस टू रेशो सेवन बट विल बी द एज ऑफ शिप्रा थ्री इंड देखो पूजा शिप्रा मोनिका तीन सिस्टर्स हैं पूजा शिप्रा एंड मोनिका पूजा एंड शिप्रा आर वि

मोनिका की एज कितनी होंगी 2x-3 उनकी एज का रेशो कितना है दो रेशो सेवन यानी x-3 अपन 2x-3 इज्युल टू ना टू बाय सेवन क्रॉस मल्टीप्लाई करें सेवन x-ऑफ 21 इज्युल टू 4x-ऑफ 6 तो सेवन x-ऑफ 4x इज्युल टू माइनस 6 प्लस 21 तो 3x की वैल्यू कितनी 15

ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ध्यान से करना पड़ेगा ठीक है द वेसल पी एंड क्यू कंटेन मिल्क एंड वाटर इन थ्री रेशो टू एंड फाइव रेशो थ्री रिस्पेक्टिवली तो जब मैं पी की बात कर रहा हूँ और मैं क्यू की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे वॉटर है और यहाँ पे क्या है मेरे पास मिल्क एंड वाटर दिया होगा एक्चुअली मेरे को मिल्क एंड वाटर दिया होगा चलिए इन थ्री रेशो टू देखो इफ टेन लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम पी अगर पी से मैंने देखो अब ध्यान से सुन लेना पहले क्वेश्चन समझ लो इफ टेन लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम पी एंड पोर्ड इन क्यू देन द रेशो ऑफ मिल्क टू वॉटर बिकम्स इन क्यू बिकम्स एट रेशो फाइव फाइंड द इनिशियल ऑफ वॉटर इन क्यू वॉटर पूछियो मिल्क पूछियो सब बता देंगे ठीक है देखिए अब ध्यान से समझ लेना इसको आपसे पूछ क्या रहा है पहले तो ये देखो क्या में पूछ रहा है एट रेशो फाइव ठीक है देखो अब करना क्या है जो मेरे पास टेन लीटर आउट हो रहा है जो मेरे पास टेन लीटर आउट हो रहा है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना क्या थ्री टू है मेरे पास यानी कि पांच यूनिट की वैल्यू दस होगी और एक यूनिट की वैल्यू दो लीटर होगी यस बिल्कुल होगी इसका मतलब ये कितना होगा छह लीटर होगा और ये कितना होगा चार लीटर होगा इसका मतलब बेसिकली अगर मैं क्यों की बात करूं क्यों में कितना दिया फाइव रेशो थ्री इसको मैं लेता हूं फाइव के एंड थ्री के जब आपने इसमें ऐड किया टेन लीटर तो मेरे पास क्या बना फाइव के प्लस सिक्स मिल्क रेशो थ्री के प्लस टू और सॉरी थ्री के प्लस फोर ठीक है ये कितना बड़ा मेरे पास थ्री के प्लस ये बन गया मेरे पास ठीक है अब क्या बोल रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द क्यू अब मुझे ये क्या दे दिया ये मुझे आठ रेशो पांच में दे दिया इसको मिटा दे जरा ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें चलिए अब इसका मतलब फाइव के थ्री के प्लस ये कितना मेरे पास 8 बटे पांच यस ये तो दिया मुझे फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे कितना है? के प्लस सिक्स अपॉन थ्री के प्लस इज इक्वल एट बाय फाइव बताइए आंसर कितना आंसर बताइए कितना मेरे पास चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा इसको

मुश्किल होना नहीं चाहिए हमारे लिए क्वेश्चन क्योंकि तो रेशो मैंने बता दिया आपको कैसे रेशो जनरेट करने कैसे रेशो करनी है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी होने चाहिए चलिए ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर द्वेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास इसकी एक बटे चार रजिता ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है संतोष से संतोष चार है तो रजीता पांच होगा ठीक है संतोष 30 लेस राजू। थर्टी परसेंट लेस करता हूं थर्टी परसेंट थर्टी बाय हंड्रेड की थर्टी परसेंट लेस देन राजू संतोष इन्वेस्टेड थर्टी परसेंट लेस देन राजू तो अगर संतोष क्योंकि संतोष इन्वेस्टेड परसेंट लेस देन राजू तो क्या साथ होगा क्योंकि संतोष के पास कम अमाउंट आया ना क्योंकि संतोष ने क्या किया कम अमाउंट इन्वेस्ट किया इस कम्पेयर टू राजू तो यहां पे क्या पुट कीजिए चार यहां क्या पुट करो सात तो सात पंजे कितना हुआ पैंतीस सात सौ के कितना हुआ अट्ठाईस और दस सौ के कितना हुआ चालीस ये आ गई मेरे पास रेशो पैसे की पैंतीस अट्ठाईस और ठीक है अब मुझसे क्या पूछ रहे आ... वट इज द राजू इन्वेस्टेड रुपीज सिक्स थाउजेंड यानी अब राजू इन्वेस्ट देखो अब बात सुनो अब मुझसे पूछ क्या बेसिकली पहले समझो राजू की इन्वेस्टमेंट कितनी है छह हजार बट मुझे छह हजार का कोई काम है टाइम वेस्ट यहां पे टाइम खराब होता है जब भी देखो मैं एक नोट लिखता हूं याद रखना नोट इफ आंसर आस्क इन रेशो डू नॉट टेक एक्चुअल डाटा कि जब भी मेरे पास आंसर ऑप्शंस में रेशो में दिया हो ना इस एक्चुअल डाटा को मतलब छोड़ दो इसको भूल जाओ डाटा बाय बाय कर दो इसको क्योंकि मुझसे पूछ क्या रहा है द टोटल अमाउंट व्हाट इज द रेशो देखो रेशो ऑफ अमाउंट दैट रजिता इन्वेस्टेड रजिता ने कितना किया थर्टी फाइव एंड द टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट कितना थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी चार दो छ सात आठ नौ आठ पांच तेरह थर्टी फाइव सॉरी रेशियो कितना हो गए चार तीन सात दो नौ और एक सौ तीन तो आंसर इस वैसे तो ऑप्शन नंबर बी से दिख जाना चाहिए था तो अगर आप कर भी लोगे तो एंड में वो छह हजार आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा उसको कोई फायदा नहीं है ठीक है कि बात चलिए <laughs> तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको लेटेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास तो मैं कल था, selected selected था ये क्या था क्या आर्मी सिलेक्शन वाला करिए क्वेश्चन को इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशो ऑफ सिलेक्टेड टू अनिलेक्टेड कैंडिडेट वॉज सिक्स रेशो वन इफ थर्टीड रेशन सेवन रेशो वन उ मेनी कैंडिडेट है पोस्ट फॉर द प्रोसेस अगर दोबारा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देखो सबसे पहली बात द रेश ऑफ सिलेक्टेड टू तो अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड ये दिया मुझे आप एक बात ध्यान दो तो ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक में तो कर देना बस देखो सिलेक्टेड कितने हैं के और अनसेलेक्टेड कितने के तो टोटल कितने हो गए? सेवन के हो गए? अच्छा इफ थर्टी लेस अप्लाइड यानी जो टोटल थे उसमें से तीस ने अप्लाई नहीं किया तो कितना हो गया सेवन के माइनस थर्टी हो गया टेन लेस है सिलेक्टेड यानी इसमें से दस सिलेक्ट कम हुए होंगे और ये क्या होगा अनसिलेक्टेड देन Ratio रेशो ऑफ सिलेक्टेड टू अनिलेक्टेड इज सेवन रेशन तो सिलेक्टेड और जो मेरे अनसे देखो यहाँ से अनसे अनसिलेक्टेड कितनी होगी सेवन के माइनस थर्टी माइनस ऑफ सिक्स के माइनस टेन यानी सेवन के माइनस थर्टी माइनस सिक्स के प्लस टेन तो स्टूडेंट्स ये कितना है मेरे पास के माइनस ट्वेंटी तो ये कितना आ गया मेरे पास डाटा के माइनस और ट्वेंटी जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे चलेंगे क्लियर तो कैलकुलेशन में से बिल्कुल यहाँ पे होनी नहीं चाहिए आपकी अब सिलेक्टेड अपॉन अनसिलेक्टेड का रेशो कितना दिया है सिलेक्टेड अपॉन अनसिलेक्टेड का स्टूडेंट रेशो कितना दिया मुझे क्या सात रेशो एक दिए बिल्कुल सिलेक्टेड कितने सिक्स के माइनस और अनसिलेक्टेड कितने मेरे पास के माइनस आया था आई थिंक सेवन वन वन जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है जल्दी से लो मैं साइड हो जाता हूँ नोट कर लो इसको ठीक है चलो और नंबर आपको बताओ नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन कॉल या व्हाट्सएप करना प्लीज मत भूलिए ठीक है चलिए तो सिक्स के माइनस ऑफ टेन इजिकल टू सेवन के माइनस ऑफ कितना आ गया वन uh, फोर्टी और आप इसको कैसे लिख सकते हैं So, तो अगर के 130 मेरा हो गया इसलिए। मुझे क्या निकालना है मुझे किसी वाली पूछ रहा है वो हाउ मेनी कैंडिडेट है प्रोसेस और हमेशा ये इनिशियल जब तक आपको फाइनली ना बोल रहा हूं तब तक आपने कुछ नहीं करना तो 7 के तो सेवन इन टू ऑफ as इज हाउ मच video. वन टेन next question क्लियर सो डू हैं. चलिए कल हमने इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में क्या था उस क्वेश्चन में जो मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर थी वो बिल्कुल सेम घड़पड़ रही थी मतलब जो सेविंग्स थी वो सेम थी अगर चांस मेरे पास अनइक्वल सेविंग वाला क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा क्या वही करूंगा क्या कुछ और कर रहे हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लीजिए मैं फिर आपको पंद्रह सेकंड दे रहा हूँ खुद नहीं तो देना पड़ेगा आपको ठीक है <laughs> चलिए नोट कर लिया होगा अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशो सेवन रेशो फोर एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो थ्री रेशो सेवन पी सेव रुपीज टेन थाउजेंड देखो अब पिछले जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया उसमें सेविंग बराबर थी बट इसमें अनिकोल सेविंग है किसी स्टूडेंट का मैसेज है कि सर अगर अनिकोल सेविंग वाला क्वेश्चन फिर मैं चलो वो भी आज करवाई देता हूं ठीक है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी अब आ जाए तो आप इजीली कर पाए क्योंकि अब बताता हूं वहां भी सकता था बट वीडियो के थ्रू क्या होगा बच्चे को अच्छे से समझ आएगा एस को जो स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी कर रहा है ठीक है एंड क्या वो सेवस सेवन हंड्रेड देखो मैंने बताया था आपको इनकम क्या होती है मेरे पास इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस ऑफ सेविंग्स ठीक है कि एक्सपेंडिचर में जब आप सेविंग को ऐड आपको इनकम में आपकी टोटल इनकम आ जाएगी ठीक है द इनकम ऑफ पी एंड ओ आर इन द रेशो फोर रेशो सेवन अब देखो इनकम की बात करूं पी और के वो किस रेशो में दी स्टूडेंट्स मेरे को चार रेशो सात में दी हुई है रेशो देखो इसको 4p 7p ले लो पहले की तरह ठीक है अच्छा एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया मुझे रेशो 3:7 और सेविंग्स क्या दी है सेविंग्स इज 10000 रेशियो 7000 ऐसे इक्वल दी 10000 और 7000 दी है ठीक है अच्छा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इनकम वन, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर 1 प्लस सेविंग 1 इनकम टू इज इक्वल एक्सपेंडिचर टू प्लस सेविंग टू ठीक है अब मेरे को क्या दिया तो ई वन क्या होगा मेरे पास अगर ई वन बाई टू मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा आई वन माइनस सेविंग वन अपन आई टू माइनस ऑफ सेविंग टू क्या ये निकाल लूंगा मैं Isn't it? Yes. ये निकालना है मैंने ठीक है चलिए अब आई वन कितना देखो मेरा फोरपी से कितनी टेन थाउजेंड अपॉन आई टू कितना है मेरा सेवन पी माइनस ऑफ सेविंग टू सेवन थाउजेंड और ये फाइनल रेशो कितनी दी है मेरे को थ्री बाई सेवन बस इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा तो अनइक्वल सेविंग के केस में भी इजी है कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें ठीक है चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेवन टाइम्स ऑफ फोर पी माइनस ऑफ टेन थाउजेंड थ्री टाइम्स ऑफ सेवन पी माइनस ऑफ सेवन थाउजेंड तो कितना बना मेरे पास ट्वेंटी एट पी माइनस ऑफ सेवेंटी थाउजेंड इजिकल टू ट्वेंटी वन पी माइनस ऑफ ट्वेंटी वन थाउजेंड ठीक है ये आपने नोट कर लिया होगा मैं इसको मिटा देता हूं चलिए तो ये कितना हो मेरे पास ट्वेंटी एट पी माइनस ऑफ ट्वेंटी वन पी इजिकल टू माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड

तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन वन सिक्स फाइव वन कॉल भी कर सकते हैं हम कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का पी एंड क्यू आर टू अलॉयज विच आर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग टिन एंड लेड इन ट्वेल्व रेशो फाइव एंड फोर रेशो थ्री रिस्पेक्टिवली तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से करिएगा ठीक है क्योंकि इसमें

अगर मैं Q की बात करता हूं किस रेशो में चार ए तीन में एक बारह रेशो पांच और चार एचो तीन अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग कैसे है हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चन क्योंकि अभी तक जो मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझे क्या बोला जा रहा था कि मैंने इतना जैसे मैंने आज भी किया क्वेश्चन कि इतना लीटर निकाल के मैंने इसमें डाल दिया तो आंसर आ गया कल भी हमने रेशो प्रपोशन का जब मिक्सर वाला क्वेश्चन किया था हमने क्या किया था कि आपको कुछ क्वांटिटी ऐड हो रही थी कि इतना वाटर ऐड कर दिया

इसका मतलब अगर मेरे पास मैं मानता हूं ये बारह किलोग्राम है पांच किलोग्राम है टोटल कितना है सेवनटीन यूनिट्स हो गया ठीक है तीन की बात करें चार और तीन ये कितना हो गया सात हो गया इसका मतलब मुझे क्या करना है इन दोनों को बराबर बनाना है सत्रह और सात अगर बायचानस देखो बारह और सोलह होता है यह आता बारह ही होता सोलह आप क्या करो इनके एल्सियम ले लो हमेशा आपने ऐसा ही करना है आपने क्या करना हमेशा इसके एल्सियम को लेकर ले चलना है क्योंकि एल्सियम क्या होता है सबसे छोटा नंबर आएगा अब सत्रह और सात ये क्या है को प्राइम नंबर है देखने में भी प्राइम ही लग रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते आप पहली इक्वेशन को सात से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी को भाई सत्रह से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया बारह सत्रह चौरासी सात पैंतीस सत्रह चौके अठासठ और सत्रह थे इक्यावन तो ये कितना आ गया छः एट्टी सिक्स और ये कितना आ गया आठ चार बारह दो एक आठ से चौदह एक पंद्रह वन फिफ्टी टू रेशो ऑफ एट्टी सिक्स सेवनटी सिक्स रेशियो फोर्टी थ्री ऑप्शन नंबर सी इज द

तो दो चैप्टर एक आपका परसेंटेज एक आपका रेश प्रमोशन ये दो चैप्टर अच्छे हैं सॉरी ये दो चैप्टर जिस बच्चे ने दिल से कर लिया ना अच्छे से जिसने दिल से कर लिया ना उसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन कहीं नहीं अटकते बता रहा हूं आपका कोई भी चैप्टर पकड़ लो जैसे अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया आपका बोर्ड्स एंड स्टीम हो गया अच्छा आपका पाइप एंड सिस्टम हो गया चलो ये तो इसके साथ ही है ठीक है और कौन सा चैप्टर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आप कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर ले लो अगर आप वेरिएबल यूज नहीं करते ना इन मॉडरेटेड मेथड से करोगे तो स्टूडेंट परसेंटेज और मैक्सिमम रेशियो प्रपोशन का यूज में आना ही आना है मिक्सर के भी देख सकते हो क्वेश्चन तो जब भी आप अर्थमेटिक स्टार्ट करो ना स्टार्ट किससे करना है कैलकुलेशन ट्रिक्स तो चलिए आपने करना ही है उसके बाद व्हाट इज द बेसिक सिनेरियो सबसे पहले परसेंटेज प्लस रेशो प्रपोशन पहले परसेंटेज करो रेशो प्रपोशन कर लो रेशो प्रपोशन करो परसेंटेज कर लो और इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मैं बता रहा हूं इनकी जितनी प्रैक्टिस हो सके वो कम है क्योंकि इनके क्वेश्चन इनके कॉन्सेप्ट आगे आपको काम आएंगे टाइम एड वर्क में अप्लाई करने को ठीक है जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर आपका आ रहा है उसको कॉन्सेंट भी करेंगे आएंगे सारे क्वेश्चन अभी करेंगे हम ठीक है तो ऐसी बात नहीं है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज एज वेल दैनल चलिए स्टूडेंट ठीक है तो मैं फिर बता दूं आपको जल्दी ही हमारा सी सेट का बैच सी सेट का पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने जा रहा है जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल एडवांस मॉडरेटेड मेथड के थ्रू करवाया जाएगा और कोई डाउट हो तो नाइन फाइव वन ट्रिपल सेवन आप आप इस इस को आप WhatsApp को कीजिए। कीजिए, जिसका बॉक्स में दिया गया है। हो तो इस पे आप कर सकते हैं। क्टर ट्वेंटी चंडीगढ़ एंड मोहाली सेंटर एड्रेस प्लॉट नंबर वन ट्वेंटी सिक्स बिल्डिंग नंबर टू फोर्थ फ्लोर फेस एट इंडस्ट्री एरिया पंजाब क्लियर सो प्लीज डू लाइक शेयर चैनल एज वेल वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स के सारे लिंक आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू